हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023। ये 2023 के पुरस्कार दिए गए हैं, कब दिए गए हैं, नौजवान को दिए गए हैं। प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और दिसंबर 2024 तक जितने भी एग्जाम होंगे उसमें एक या दो प्रश्न राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से संबंधित अवश्य ही पूछे। मैं हूँ विवेक सक्सेना और आप देख रहे हैं साहित्य भवन का यूट्यूब चैनल। अब आते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के बारे में। कहाँ ये पुरस्कार वितरण आयोजन हुआ? ये 9 जनवरी 2024 को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित किया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार यहाँ जो है देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, उनका देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार जो है वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार क्या है तो हमारा उत्तर होगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। यहाँ पर एक बात आपको और बता दूं, अगस्त 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। मेजर ध्यानचंद हॉकी में भारत के ही नहीं विश्व के मशहूर खिलाड़ी थे और ओलंपिक में 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले जो भारतीय टीम के हिस्सा रहे थे। तो अगर प्रश्न ये आता है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का नाम पहले क्या था, तो पहले नाम जो था वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। इस बार जो है ये पुरस्कार किसे दिया गया है, इस बार में संयुक्त रूप से चिराग शेट्टी और सार्थक सरियाजी को जोड़ी को दिया गया है। ये युवा जोड़ी है जो कि बैडमिंटन खेलती है और एशियाई बैडमिंटन एशियाई चैंपियनशिप में जो है इसने भारत को स्वर्ण पदक बैडमिंटन में दिलाया था और भारत का पहला स्वर्ण पदक था। ये जो युवा जोड़ी है इस बार एक पुरस्कार से उसका कारण क्या था कि ये समय मलेशिया ओपन 1000 में ये भी हिस्सा लिए थे। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न की पुरस्कार राशि कितनी है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न की पुरस्कार राशि जो है वो 25 लाख रुपए। यह भी अक्सर एग्जामों में पूछा जा चुका है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की राशि कितनी है, तो वहां पर उत्तर होता है हमारा 25। अर्जुन पुरस्कार जो है वो 26 खिलाड़ियों को दिया गया जिसमें मोहम्मद क्रिकेटर मोहम्मद शमी भी शामिल है जिन्होंने आईसीसी क्रिकेट चैंपियनशिप में हाल ही में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। अखबारों में भी और चैनलों में भी प्रमुखता से मोहम्मद शमी का पुरस्कार लेते हुए फोटो जो है राष्ट्रपति के साथ दिखाया है। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो साहित्य भवन की मासिक पत्रकार मासिक पत्रिका का अध्ययन अवश्य। धन्यवाद।